गोरखपुर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने मंगलवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने वार्डों के मरीजों को दिए जाने वाले सुविधाओं की पड़ताल की। उन्होंने मरीजों से जाकर बातचीत की और उनसे जानकारी ली कि सारी दवाएं और सुविधाएं निःशुल्क मिल रही हैं कि नहीं। इस पर मरीजों ने बताया कि उनके यहाँ पर किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ता है, जिससे वे व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने वार्डों में लगे आधुनिक मशीनों का भी निरीक्षण किया और इमरजेंसी वार्ड में बेड बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हॉस्टल का भी निरीक्षण किया तथा जर्जर भवन को हटाकर नया प्राइवेट वार्ड बनाने के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई हैं, जो गोरखपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि छात्रों की संख्या को देखते हुए छात्रावासों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए पहले से ही जगह चिन्हित कर नया छात्रावास बनाने की बात की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव रजनीश दुबे ने बताया। अभी आप नई जगह कोई बिल्डिंग ना बनाए, प्राइवेट वार्ड्स कहाँ भी बनाए जगह आइडेंटिफाई कर रही है। जहाँ पे आपके पुराने प्राइवेट वार्ड्स थे, अब ना वो डेमोलिश हो सकते हैं। जैसे आप 15 साल पुरानी बिल्डिंग चलिए अभी दिखा दीजिए। ये आके अगर बेच बना के देखते हैं बेच यहाँ बढ़ा दीजिए 40 का सामने सर देखिए वार्ड सर हर वार्ड फंक्शनिंग है और बच्चों को टोटल यहाँ 54 बेड्स थे, 54 बेड्स ही रहेंगे। केवल ये बेड ही से काम नहीं होगा, और भी जो परा फरने लिया है इस पर जिनकी भी ड्यूटी लगानी है, नर्सेज, रेजिडेंट्स, सर्विसेज, वो सब आ रहे हैं। वो है जैसे ही हमारे पेशेंट आएंगे हम तो मर कर देंगे। पेशेंट की प्रतीक्षा में सब आप बात ही नहीं, सब पूरा क्लियर से रखा हुआ है। जैसे प्रॉपर फंक्शनिंग वार्ड करता है, जैसे बेंचेस अगर पेशेंट आए तो 2 मिनट के अंदर बिठा के ट्रीटमेंट चालू हो सकता है। दैट काइंड ऑफ रेडीनेस 40 के आप बिल्कुल तैयार हैं, बस इसी चीज़ की कमी नहीं है। और उसमें जो मैन पावर सर्विसेज होता है, 40 बेड का आपका एक इमरजेंसी कम सप्लीमेंट्री पीपू का काम करेगा अपना। इसी को सर ने कहा था कि इसको डिजास्टर वार्ड तक एंड 6 यहाँ पे, ये 348 ऊपर एंड 6 नीचे पे है इसके आइसोलेशन के। 40 नीचे 48 जितना पहले थे, 42 वही प्री था। हाँ, और अब ये 40 इमरजेंसी और नहीं, तो ये पहले भी थे बेड। ये जो पहले वार्ड था ये एक्चुअली बेड स्ट्रेंथ में काउंटेड था ये, लेकिन इसका यूज़ फर्क था। पहले तो ये यूज़ होता था एज PICU यूज़ हुआ, फिर उसका जहाँ उन्होंने PICU ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इसको जनरल वार्ड के लिए यूज़ करने लग गए। वार्ड इलेवन अब इसको इमरजेंसी का सप्लीमेंट हम सभी बेड स्ट्रेंथ कुछ नहीं चाहिए, इसे रेनोवेशन ही कराया। कमजोर क्यों है, आइडिया वगैरह है क्या? 30 वीक्स में
यहाँ आपको जो भी दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं कोई बाजार से तो नहीं खरीदी? कोई आपको टेस्ट वगैरह बाजार से कराना पड़ा? नहीं। कोई अपने पास से पैसा खर्च करना पड़ा? नहीं। ठीक है, आप संतुष्ट हैं? डॉक्टर आके देख रहे हैं? ये रिकॉर्ड कर लीजिए, हमारे मिनट्स में डाल दीजिए, मिल्क बैंक यहाँ से एस्टैब्लिश कर दिया, दैट्स अ गुड आइडिया। जरा सी जगह है, 15 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये तो आपका बिल्कुल ही खराब हो चुका है, प्राइवेट हॉल। ये दोनों में ये बीच में क्या है दोनों? उधर वाला जो है एरिया वो सामने का ग्रीन बेल्ट हो जाएगा, उधर कहीं से एंट्रेंस हो जाएगा, ऐसे इधर फेस कर सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है सर, ये वॉल छोड़ के ये बैक साइड हो जाए, वॉल भी थोड़ा पीछे की तरफ चल जाएगा, वहाँ से सीधे करके यहाँ से यहाँ तक की स्पेस अवेलेबल है। इधर ग्रीन बेल्ट और इधर से आके यहाँ प्राइवेट वार्ड बन सकता है। इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसको एक रिपोर्ट ले लीजिएगा कि रेनोवेशन लाइक भी नहीं है और पैसा वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छी क्वालिटी का यहाँ बना दिया जाएगा। उससे टॉप पे तो सहूलत नहीं लगे, उससे सब तक नहीं, उसमें प्री फैब लेक्चर थिएटर बनवा दीजिए, तो यहाँ पे प्राइवेट वार्ड बनवा दीजिए। 100 से 150 सीटें जो बढ़ रही हैं MBBS, उसके लिए भी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वर्कआउट करें। यहाँ पर प्राइवेट वार्ड जो है बहुत जीर्ण-शीर्ण हो चुका है और उसके जीर्णोद्धार में काफ़ी पैसे लगेंगे, उसके बाद भी बिल्डिंग की स्थिति दुरुस्त पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, लिहाजा इसमें एक नई जगह भी आज चयनित की गई है जहां पर प्राइवेट वार्ड बनाया जा सके, जिससे जो मिडिल क्लास के लोग हैं अगर उन्हें यहां पर भर्ती होना है तो उनके लिए सुविधाएं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो सकें। और आवश्यकतानुसार यदि रेजिडेंट्स के लिए भी अतिरिक्त कक्षों की ज़रूरत होगी तो वो भी बनवाए जाएंगे। इसके अलावा जो 100 से बढ़ाकर MBBS की सीटें इस बार MCI ने 150 कर दी हैं, ये भी गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 150 बच्चों का MBBS में एडमिशन हो रहा, उनके लिए भी हॉस्टल्स की व्यवस्था की जानी होगी, लेक्चर थिएटर्स को बनाना होगा, तो उसमें प्री फैब्रिकेटेड लेक्चर थिएटर्स चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी बिल्डिंग्स के ऊपर स्थान उपलब्ध है तो उसकी एक टेस्टिंग करा के कि उसमें फाउंडेशन में स्ट्रेंथ है, 2 प्री फैब्रिकेटेड लेक्चर थिएटर भी बनवाए जाएंगे। सब वार्डों का भी निरीक्षण किए हैं, तमाम मतलब मशीनें लगाई, इसमें जो आधुनिक मशीनें लगी हैं, नीकू का जो नया वार्ड बना है वो एक काफ़ी अच्छा परिवर्तन आया है और उसमें जो प्रोटोकॉल्स जैसे होने चाहिए एक मॉडर्न हॉस्पिटल में, अब ये कहा जा सकता है कि BRD मेडिकल कॉलेज में भी जो नीकू है उसके पहले जो नीकू का एक इमरजेंसी का सेक्शन है वो पूरा एक अत्याधुनिक सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो गया है। और यहाँ पर अभी एनसेफेलाइटिस के सीज़न के लिए झांसी और अन्य मेडिकल कॉलेजेस से कुछ एडिशनल जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के, उनकी भी तैनाती की गई है, ट्रेनिंग कराई गई है नर्सेस की फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में, और भी बाकी जितनी सुविधाएं हैं वो हमारी हो चुकी हैं, तो यहाँ पर एनसेफेलाइटिस मैनेजमेंट के लिए हमारी तैयारियाँ पूरी हैं।